और देश में अकलियत के लोगों को, मुस्लिम लोगों को हिंदू मुस्लिम करके ये देश को तोड़ना चाहते हैं, टूट रहा देश। मैं पहले आरएसएस पर बैन करी, आरएसएस ये इससे भी बदतर संगठन है जो हिंदुत्व का कट्टर पंथा। लालू जी, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ने आज पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि नीतीश कुमार और हमारी पार्टी एक होकर दिखा दिया है कि अब हम एक हो गए हैं, बीजेपी की विदाई तय है। उन्होंने कहा कि देश में अकलियत लोगों को दबाया जा रहा है, देश में हिंदू मुस्लिम करके देश में सांप्रदायिकता को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। लालू यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग हमेशा भगवा झंडा लेकर मस्जिदों के ऊपर चढ़ जाते हैं और नारा लगाते हैं, बीजेपी के लोग देश में दंगा फैलाकर देश पर राज करना चाहते हैं, जो अब नहीं होगा। वहीं पीएफआई पर लगे प्रतिबंध की सराहना करते हुए लालू यादव ने अपने अंदाज में कहा कि पीएफआई पर लगाए गए प्रतिबंध बिल्कुल सही है, इस तरह के तमाम देश विरोधी संगठनों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीएफआई की तरह आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। काफी छोड़ दो सर, राष्ट्रीय जनता दल आईडी लगी तो है, नीतीश कुमार और हमारी पार्टी का जो मिलन नहीं हुआ उदाहरण है कि हम इकट्ठे हो गए हैं। विधायक तय हमारा, हम पर भरोसा किया पार्टी के लोगों ने, उनके भरोसा को तोड़ना नहीं था। गरीबी है, बेरोजगारी है, यहाँ चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है और देश में अकलियत के लोगों को, मुस्लिम लोगों को हिंदू मुस्लिम करके ये देश को तोड़ना चाहते हैं, टूट रहा देश। मैं पहले भी बोला था कि देश रहेगा या टूटेगा, हर बात में हिंदू मुस्लिम मस्जिदों पर चढ़ के झंडा फहराना, भगवा ध्वज फहराना बहुत गंदी बात, हनुमान जी का पाठ करना मस्जिदों के सामने, क्या बताता नहीं बताता है इनको, बिल्कुल कमर्नलाइज करके देश में दंगा फसाद करके शासन में बना लाना चाहते हैं। अब इनका दिन लद गया है, पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पीएफआई का जांच हो रहा है और पीएफआई के तरह जितने भी संगठन हैं इंक्लूडिंग आरएसएस सब पर प्रतिबंध लगाइए, एक रूपता लगे देखने को लगे, ऐसा नहीं कि ये फीलिंग जाए कि खास करके मुस्लिम संगठनों को ये तो दुर्गा बहाने भी बनाए थे और आरएसएस को बैन पहले भी किया गया था इमरजेंसी में भी, और आरएसएस पर प्रतिबंध एक साथ इस तरह के जितने भी संगठन हैं सबको बैन करिए और जांच करिए, कुछ मिले तो कार्रवाई करिए। तो आपका कैसा शासन है कि आपके शासन में हर तरह से इस तरह की बातें आती हैं और एक ही बजा बजाते रहते हैं टीवी पर, दो बजा बजा रहे हैं तो ये भाई का एक हुआ दिखा रहे हैं लोगों को। सबसे पहले आरएसएस पर बैन करीब, आरएसएस का ये इससे भी बदतर संगठन है जो हिंदुत्व का कट्टर पंथा। लालू जी, क्या आप नीतीश कुमार को लाल किला पे भेजिएगा झंडा फहराने के लिए, नीतीश कुमार को दिल्ली पहुंचाइएगा आप, और तेजस्वी को कब तक मुख्यमंत्री बन जाएंगे? टाइम पर इंतजार करिए। आप चाहते हैं कि तेजस्वी यादव बिहार संभाले? बिल्कुल, और नीतीश जी देश संभाले, सब लोग मिलकर संभालेंगे। बीजेपी को हराया जा सकता है? बिल्कुल हराया जा सकता है। 14 से पहले बीजेपी बात हो रही है लोगों से, सोनिया जी से मैडम से बात हुआ, संगठन का चुनाव बोला, बोली मैडम की
उसके बाद फिर हम लोग बैठे हैं और बड़ी पार्टी है। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि सोनिया गांधी नीतीश कुमार और लालू यादव से मुलाकात नहीं की, फोटो नहीं, 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 नहीं केवल 15-20 मिनट तक मुलाकात हुई चैम्बर में महिला के घर में फोटो खिंचवाने हम लोग गए थे। बीजेपी वाला पूछ रहा है, बीजेपी वाला को तो कुछ भी पूछेगा, तो बीजेपी वाला को पता नहीं है मैं थोड़ा पीछे यार मैं क्या करूं। देश के लोग 250 लोग गेट पर थे, एक दो घंटा तक हम लोग से मुलाकात हुई है, विस्तार से बात हुई, बोलता कि मुलाकात नहीं हुई तो घबरा क्यों रहा है सोनिया गांधी से, घबरा रहा है सब ये सब इकट्ठा ही लोग कर रहा है। धन्यवाद। लालू जी एक बिहार में आपने पहले भी बीजेपी का रथ रोका था, इस बार भी उम्मीद करें जिस तरह से बीजेपी का पताका सब इनका पताका उड़ जाएगा इस बार साफ। चलिए थैंक यू सर।